नुगावा कृषि अनुसंधान केंद्र को कृषि महाविद्यालय बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। इसे लेकर इलाके के कई स्थानों पर दुकानें आज बंद रखी गई, वहीं वकीलों ने भी कार्य बहिष्कार किया। नुगावा कृषि अनुसंधान केंद्र को कृषि कॉलेज बनाने का मुद्दा अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर कई दिनों से रामगढ़ नुगावा क्षेत्र में संघर्ष समिति द्वारा आंदोलन जारी है। आज रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर और अलावड़ा में दुकानें बंद रखी गई। वहीं संघर्ष समिति के संयोजक नरेश गोयल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन रामगढ़ तहसीलदार हरि सिंह को सौंपा गया। समिति ने चेतावनी दी है कि राज्य सरकार ने यह मांग पूरी नहीं की तो 3 दिन बाद आंदोलन तेज किया जाएगा। इसी मौके पर संघर्ष समिति से जुड़े नरेश गोयल, राजकुमार, पूर्व प्रधान नसरू खान, दिनेश शर्मा, राम बाबू गुप्ता और अन्य लोग मौजूद रहे। नौगावा कृषि अनुसंधान केंद्र को कृषि महाविद्यालय में परिवर्तित कराने के लिए नौगावा कृषि विश्वविद्यालय संघर्ष समिति द्वारा रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, अलावड़ा कस्बा पूरी तरह बंद रहा और आज ये जो बंद रहा है इसमें जनता की जीत हुई है। पूरे क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। पूरे क्षेत्र की जनता की ये मांग है कि अगर ये कॉलेज नहीं बना तो अभी तो आज सांकेतिक बंद है, पूरा विधानसभा क्षेत्र बंद किया जाएगा, वोटों का बहिष्कार किया जाएगा। और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह रही कि आज चारों कस्बों में जनता की जीत हुई है। कोई नेतागिरी की बात नहीं, कोई और बात नहीं, गैर राजनीतिक तरीके से पूरे क्षेत्र बंद रहा है। इसके लिए पूरे क्षेत्र की जनता को मैं संघर्ष समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि भविष्य में भी इस तरह की हमको आवश्यकताएं पड़ेंगी, क्योंकि यह आंदोलन अभी लंबा चलने वाला है। गवर्नमेंट की अभी तक सिर पर जू नहीं रहेंगी है जब तक गवर्नमेंट कॉलेज की घोषणा नहीं करेगी।